हेलो दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज, और एवरेज में क्वेश्चंस को कैसे सेकेंडों हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो आज आपका है एवरेज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने लगभग 5 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, और आज के बाद एवरेज में रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उनको पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है जो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर देना होगा तो आप मात्र 2 सेकंड लेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम लोग पूरा समझने की बात देखेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार इस लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। तो चलिए समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, थोड़ा वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, 2, 4, 6, 8 और 10 मैंने ले लिया, मतलब ये पांच आपके पास मैंने संख्या लिया है, और मैंने बोला कि भाई इसका एवरेज क्या होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज अगर समांतर श्रेणी में है, एपी में है, अर्थात सभी के बीच का अंतर अगर सेम हो, तो हमेशा जो बीच वाली संख्या होती है वही हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। बात समझ में आई, यही हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि रिप्लेसमेंट में अब किसी एक के स्थान पर कोई अगर दूसरा आ जाता है, मतलब यहाँ कोई हटेगा नहीं, ठीक है, कोई एंट्री नहीं करेगा, ये आपका रिप्लेसमेंट है। अर्थात 8, जैसे 8 है, 8 के स्थान पर कोई दूसरा आ गया तो क्या होगा, तो उसके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा एवरेज 6 है, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। अब अगर 6 है और 6 के स्थान पर अगर 6 आ जाए, 6 के स्थान पर मतलब 6 को हटाया उसके स्थान पे 6 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए 6 है और 6 के स्थान पर कोई मान लीजिए 10 आ जाए, 6 के स्थान पर हम 10 लेते हैं, तो ये बताइए एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी बात है, 6 के स्थान पर अगर 10 आएगा तो 10 6 से कितना ज्यादा लेकर आया, 6 से 10 को हम 6 प्लस 4 लिखेंगे तो 6 से आपका 4 ज्यादा लेकर आया। तो सीधी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि एवरेज जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर यही चीज मैं उस तरीके से बात करूं, अगर 6 के स्थान पर कोई छोटी संख्या लेकर आऊं, मान लीजिए 6 के स्थान पर मैं 4 लेकर आया, तो सीधी बात है अब एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 लेकर आओगे, क्योंकि 6 था तब एवरेज तो 6 था, ठीक है, अगर 6 के स्थान पर अगर 6 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 4 लेकर आ रहे हैं तो 4 का मतलब क्या हो गया कि आप 6 से 2 कम लेकर आ रहे हैं। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे एवरेज में इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास का मतलब लड़के और लड़कियां हैं, उनका जो एवरेज वेट है उसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 50 kg है, कितना है 50 kg। अब क्या है कि जो छात्रों की जो पूरा कुल क्लास में जो पूरा मिलाकर मान लीजिए 30 लोग हैं, अब उस 30 में से जो एवरेज है 300 का अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50 kg है सभी का मिलाकर। अगर मान लीजिए कोई एक बंदा, अगर कोई बंदा एंट्री करता है या बाहर निकलता है, अगर वो 50 kg का होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो 50 kg का होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात वो चाहे एंट्री करे चाहे बाहर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 kg जो होगा इसका मतलब वहां पर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन बनता भी है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अगर 6 है तो 6 पर अगर कोई आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं, आगे के क्लास आगे का जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है इस पे रिप्लेसमेंट पर आधारित, 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। प्रतिस्थापित का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट, मतलब किसी एक के स्थान पर कोई दूसरा आ जा रहा है। अब बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, 8 व्यक्तियों के स्थान पर अगर दो, समझिएगा ध्यान से, आयु 2 वर्ष अगर बढ़ रही है औसत, तो
तो सीधी बात है कि जो भी आपका बंदा होगा वो सीधी बात है उसके स्थान पर कोई ज्यादा आया होगा, ज्यादा एज का आया होगा, तभी तो दो बढ़ा। इसका मतलब जो दो बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दो बढ़ रहा है तो सभी व्यक्तियों पर दो दो बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर औसत दो बढ़ता है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया है 5 6 7, बहुत ही बेसिक्स में आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। अगर सभी आंकड़ों में अगर एक आप जोड़ दें, जैसे इसका एवरेज क्या है 6, अगर मैं यहाँ दो जोड़ दूं, इसमें 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 भी दो जोड़ दूं और इसमें भी दो जोड़ दूं, तो इसका मतलब अब नया औसत क्या आएगा जानते हैं? तो जो नया औसत होगा एवरेज में ऑलरेडी वही जितना आप जोड़े होंगे सभी में वही जुड़ जाएगा, इसका मतलब नया एवरेज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आयु औसत आयु अगर 2 वर्ष बढ़ रही है तो 8 जो व्यक्ति है ना सभी की आयु में दो दो की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात कितना बढ़ जाएगा, जो नया व्यक्ति आएगा एज लेकर जो आएगा, 24 तो आया ही आया, ध्यान दीजिएगा उसमें लिखा ना, यदि उनमें से जिसकी आयु 24 वर्ष है वो तो आया ही, लेकिन अपने साथ जो जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आया है, देख लिखा ना, को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, 24 तो पुराने वाला था, अगर 24 के स्थान पर कोई 24 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 वर्ष इसका बढ़ रहा है और 8ों व्यक्तियों पर दो दो बढ़ा होगा, तभी औसत आपका 2 सभी में बढ़ा है। तो इसका मतलब 8 दूनी 16, 24 और 16 क्या हो जाएगा, 24 और 16 क्या हो जाएगा भाई, 40। आंसर कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स आपका। बताइए सेकेंडों का क्वेश्चन था, अभी बस मैंने आपको समझाया है, अब देखिएगा क्वेश्चन आप जैसे भी देखेंगे आप सेकेंडों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु इस बार क्या हो रही है, 3 वर्ष कम हो जा रही है, कम की बात हो रहा है। इसका मतलब हमारा कम, अगर 3 वर्ष कम हो रहा, लिखा है ना 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण करता है, इसका मतलब कम आयु का जो बंदा होगा वो ग्रहण किया है उसके स्थान पर। तो जो पुराना था, लिखा ना सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी, भाई सीधी बात है वो ज्यादा रहा होगा, वो क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। अब 3 वर्ष कम होने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 या 30, भाई मैंने क्या बोला, औसत अगर 3 कम हो रहा है तो सभी में 3 3 कम कर दीजिए, तो 10 या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 30 जो है, अब आप बताइएगा ध्यान से, ये 30 25 में हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर 30 जोड़ेंगे तभी तो हमने जो पुराना वाला था, क्योंकि वो ज्यादा रहा होगा ना, तभी तो आपका ये कम हो रहा है, क्योंकि 25 वर्ष वाला अगर कोई शिक्षक अगर उसके स्थान पर रिप्लेस कर रहा है और हमारा औसत आयु कम हो रहा है, जैसे इसका पिछला क्वेश्चन था वहां क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, तो वहां पर यहाँ पर जो पूछा गया है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है, तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20, अब देखिए पेन नहीं चलाना है, 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है नए विद्यार्थी का वजन, ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए औसत वजन आपका कितना हो जा रहा है, 0.75 बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ शायद ये थोड़ा मिस हो गया है हिंदी में, तो इसको आप इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है 35 kg इज रिप्लेस बाई न्यू स्टूडेंट, ठीक है, लिखा है ना, इंक्रीज बाई व्हेन वन स्टूडेंट इज 35 kg रिप्लेस बाई ए न्यू स्टूडेंट, उसके स्थान पर कोई नया आ जाता है तो नया स्टूडेंट का वेट कितना था वो बताना है। अब 35 के स्थान पर अगर 35 आता कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में नहीं लिखा है तो इंग्लिश वाला आप लैंग्वेज यहाँ देखेंगे, एक लाइन छूट गया है, तो नया स्टूडेंट का जो वेट होगा वो क्या होगा, अगर 35 के स्थान पर अगर 35 आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ा है 0.75 का, इसका मतलब 20 गुणे क्या हो जाएगा, 0.75। अब 20 गुणे 0.75 कितना आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लेंगे तो 7.5 × 2 मतलब लगभग आपका जाएगा कितना, कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 15 kg आपका क्या हो रहा है, 15 kg बढ़ गया, इसके अलावा 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50 kg खत्म। भाई तभी तो हुआ होगा, जो नया विद्यार्थी आया है अगर वेट बढ़ रहा है तो नया का पूछ रहा है, तो 50 kg खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी बहुत ही जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आप किसी एक को रिप्लेस कर रहे थे, अब आप दो लोगों को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। जैसे चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिसको मैंने लिया है और ये ऑप्शन भी थे। अब इसको ध्यान समझिएगा, 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है ये आपकी कितनी है,
आठ व्यक्तियों की जो औसत आयु है ये आपका 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों जो नए व्यक्ति हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाली जा सकती, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों नए व्यक्तियों का औसत ही पूछा जाएगा। अब औसत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर 2 लोग हैं तो दोनों का औसत क्या होगा, भाई दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका देखिएगा ध्यान से, अभी तक आप क्या करते थे, 2 वर्ष आयु बढ़ रहा है तो आप क्या करते थे, 8 गुणे 2 करते थे, ध्यान दीजिएगा 8 गुणे 2 करते थे, भाई बढ़ रहा है तो यही 16 आप डायरेक्ट उसमें जोड़ देते थे, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपके 2 लोग हैं तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, अर्थात 21 और 23 के जो बीच का होगा वही एवरेज होगा। हम एवरेज पे बात करेंगे, औसत पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों नए व्यक्तियों का औसत आयु पूछ रहा है, तो 21 और 23 का एवरेज क्या होगा, 22 होगा, और इसीलिए हम यहाँ 16 नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा हम 16 नहीं जोड़ेंगे, 16 का आधा जोड़ेंगे, क्योंकि 8, देखिए 2 व्यक्ति हैं तो 16 का आधा क्या होगा, 8 उसके पाले में जाएगा, 8 उसके पाले में जाएगा, तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना, बस डायरेक्ट आपको देखना और आंसर टिक करना है। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता इस क्वेश्चन को, आप देखिए तुरंत कर देते, 8 दूनी 16 22 हुआ, 22 में हम 16 का आधा जोड़ देंगे, 22 और 8 कितना हो गया, 30, खत्म। तो 2 से 5 सेकंड के अंदर इन सारे क्वेश्चनों को आप निपटा सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे वीडियोज है, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार इसको जरूर शेयर कर दें, ठीक है, सभी ग्रुपों में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप आंसर जरूर भी कमेंट किया करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और फीडबैक जरूर दिया करिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, उसके लिए आप जरूर कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए थोड़ा सा खतरनाक डेटा आपका दे दिया, 19 साल 1 मंथ, 19 साल। अब आप देखिएगा बड़ी सेकेंडों में इन क्वेश्चनों लगा सकते हैं। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 2 माह बढ़ जाता, ध्यान दीजिएगा 2 माह बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा, 11 दुनी 22, क्योंकि रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन है, तो 11 दुनी 22 मतलब 22 माह बढ़ गया, क्लियर। अब 22 माह बढ़ गया तो, क्योंकि देखिए यहाँ 2 लोग हैं, देखिए 18 वर्ष और 20 वर्ष, तो 18 वर्ष और 20 वर्ष के बीच का एवरेज क्या होगा, 19, तो 19 साल हम 22 माह नहीं जोड़ेंगे, 22 का आधा, तो 19 साल क्या हो जाएगा, 11 माह, 19 साल 11 माह, ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन, और ये हो गया खत्म। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे रिप्लेसमेंट के आप ऐसे ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और एवरेज आप ये मान चलिए बहुत ही आसान चैप्टर है, और उस पर तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरीके से आप सारी चीजों को आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर शेयर करें, जरूर बताएं कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत सारे मैंने कैलकुलेशन ट्रिक के वीडियो बना रखे हैं, आपको अगर स्पीड बनानी है तो उसको भी आप जरूर देख सकते हैं। वैदिक मैथ्स का भी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहां पर आपको वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वहां से भी आप सारी चीजें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि भाई वैदिक मैथ्स में आपको जो वीडियोज हैं वो कैसा लग रहा है, ऐसे बहुत सारे उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं, उसके लिए आपको दिए हुए नंबर पर क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।